बोल सिमरन दीदी निकल गए। निकल गए की हुंदा है? वो आ रहा है नहीं बोल सकता। सिद्धू साहब दी सकी भैन काम ते चली है, साला कहना निकल गए। पता नहीं केड़ी माड़ी घड़ी नूं मैं इह जिहा नौकर रख लिया। सॉरी पाजी, सिमरन दीदी आ रहे ने। तैनूं 20 वारी समझाया के मैनूं पाजी ना कहा कर। प्रोफेसर साहब क्या कर, जे मैनूं पाजी कहण दा इन्ना ही शौक आ ना, फिर सिमरन नूं दीदी कहण दी लोड़ नहीं। साला होर ही रिश्तियां दी मिक्स वेज बना के धर दिंदा। समझ गया जी। की समझिया? यही भी अज तो कदे भी घरे मिक्स वेज नहीं बनानी। दुर फिटे मूं। तंदुरुस्त रखन लई रोज 6 किलोमीटर सैर करिया करो। ते जनाब दी क्लिनिक भी ता पूरे 6 किलोमीटर ही आ। असी ता ए सोच के थोनू रोज क्लिनिक तक छड्डन चले जाईदा, शायद इसे बहाने दिल दी 6 किलोमीटर सैर हो जावे। सैर ना तुहाडी गड्डी दा पेट्रोल घट होना, तुहाडा कोलेस्ट्रॉल नहीं घटना। एदा करो तुसी किसी डॉक्टर नु दिखाओ। की गल, तुसी डॉक्टर नहीं, पैसे दे कैटेगरी लई आ। मैं दिल वाले डॉक्टर नु दिखाण दी गल कर रही हां। अच्छा, कोई डॉक्टर दिल तो बगैर भी हुंदा? तुसी भी सच्चे हो, जे तुहाडा दिल हुंदा इन्ने झूठे लैण दे बावजूद हुण तक पिघले ना हुंदा। तुसी साडे किराएदार हो, सिर्फ किराएदार बन के रहो। प्रोफेसर साहब एक गल मैं तुहानू क्लियर करदा, प्लीज माइंड ना करना। आज लास्ट टाइम मैं तुहाडे तों लिफ्ट लै रही हां। वैसे भी व्याह तों बाद घर वालियां नूं लिफ्ट देंदा कौन आ? तू कहना मैनूं क्लिनिक छड्ड के, मैं कहना रिक्शा कर ले। आ जाओ, हुण मैं लेट हो गई हां। लेट तुसी कल्ले ही नहीं, लेट अपन दोनों ही बहुत हो गए हां। तुसी ना सुधरियो। सत श्री अकाल सिद्धू साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पापी जी। सत श्री अकाल प्रोफेसर साहब। चंगा कीता भुल्लर साहब तुसी आ गए, मैं तुहाडे नाल इक जरूरी गल करनी सी। जरूरी गल? दसो। दसना की है भुल्लर साहब? जवान भैन घर च कुआरी बैठी होवे ते घरदिआं नूं नींद नहीं आउंदी। गल तां तुहाडी सही है जी, कुड़ी जवान होवे नींद तां सारे महल्ले दी उड़ जांदी है। तुसीं बिल्कुल ठीक किहा भुल्लर साहब, धीआं भैणां तां सभ दीआं सांझीआं हुंदीआं ने। हां जी, तुहानूं तां पता ही है कुआरी भैण दी जिम्मेवारी किन्नी वड्डी हुंदी है। बिल्कुल, जे भैण वड्डी उम्र दी होवे फिर तां जिम्मेवारी होर भी वड्डी हो जांदी आ। पर जे कोई समझे तां। प्रोफेसर साहब, तुहाडी यूनिवर्सिटी च कोई टीचर होवे ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੱਭੋਗੇ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਭੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੁੜੀ ਸਲੇਟੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ 'ਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਟੀਚਰ ਨਾ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਲਬਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਤਾਂ ਫਰਮਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਗਿੱਲਾ ਪੀਣ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁੜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤਾ। ਕਿਉਂ, ਬੁੜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਵਾਹ, ਕਿੱਡੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਹਾਂ ਕੌਣ ਕਿਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਟੱਕਰ ਜਵੇ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ?